हेलो दोस्तों, मेरा नाम अथर्व गोगना है। आज मेरे पापा आपको बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ दिखाने वाले हैं और आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। आप हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन दबाना, क्योंकि अगर आप चैनल पे नए हो तो। बाय बाय। नमस्कार जी, कैसे हो निर्मल जी? एकदम बढ़िया, आप बताइए। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया, एकदम बढ़िया, शानदार। एक बार फिर से आ चुके हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपका दोबारा से स्वागत है द ऑटो कार्स वर्ल्ड के अंदर। आप आए निर्मल जी के चैनल पे। इनका जो चैनल है एन एक्सपर्ट राइड के नाम से है, बहुत ही मशहूर है इनका चैनल। अभी ऑल ओवर राजस्थान में क्या, ऑल ओवर हिंदुस्तान में बहुत जबरदस्त धूम मचा रहा है जी। बिल्कुल, नो डाउट। तो इनकी वजह से हम भी बहुत अच्छा डिस्काउंट देते हैं इनके क्लाइंट्स को, हमारे क्लाइंट्स को, नो डाउट हमारे क्लाइंट्स से, नो डाउट वो चीज़ है। बाकी इसके अलावा आपको इस बार जो आप देखोगे तो आपको बहुत नई नई चीज़ें मिलने वाली हैं, वो आपको बताएंगे लास्ट में। कुछ एक सरप्राइज जो वीडियो पर आपको बताएंगे डेफिनेटली लास्ट में, कुछ स्पेशल जो चीज़ है इस गाड़ी के बारे में, कि आपको हमेशा उन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, तो और रखना भी चाहिए, सिंपल सी बात ही है। उसके अलावा हमारी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे जी। तो शुरुआत करते हैं ईओन से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आइए बताइए जी। सो दोस्तों, ये कार है हुंडई की ईओन एरा प्लस मॉडल है। काफ़ी अच्छी गाड़ी है, कंडीशन बहुत अमेजिंग है, कोई भी कमी नहीं मिलने वाली। फर्स्ट ओनरशिप है 52,000 चलिए मात्र, और इस गाड़ी की प्राइसिंग अपन रखी है 245। बाकी इस पर अभी जो ऑफर्स है वो आपको बताएंगे डेफिनेटली। आज थोड़ा सरप्राइज है, वो आपको लास्ट में बताएंगे हम आपको क्या ऑफर देने वाले हैं। प्लीज़, ये साफ सुथरा मिलेगा बिल्कुल, बहुत ही प्यारी गाड़ी है, कोई कमी नहीं मिलने वाली आपको बिल्कुल। अभी रिसेंटली, अभी एक घंटे पहले बस मेरे पास कस्टमर से अभी रिसीव हुई है कार। हाईली मेंटेन्ड है, फर्स्ट ओनर है 52,000 चलिए, तो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है और बहुत अच्छी कार है। हुंडई है जो नाम से बिकता है, आपको हुंडई के बारे में कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं कि हुंडई ब्रांड कैसा है या क्या है। तो आप चलाओगे, एंजॉय करोगे, आपको बड़ा मज़ा आएगा। और दूसरी चीज़ ये कि हर बार मैं आपको बताता भी हूँ कि आप कोई भी कार हमसे लेंगे तो उस कार के अंदर आपको 3 मंथ्स की वारंटी मिलने वाली है, वो है इंजन साइड की प्लस गियर बॉक्स की। अगर इंजन में निर्मल जी अपने क्लाइंट्स को कोई भी दिक्कत आएगी ना, तो हम उसके लिए बिल्कुल लाइबल है फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़। दूसरी चीज़, 3 महीने की अपन को वारंटी देंगे गियर बॉक्स की और दोनों की चीज़ों की। सेकेंडरी चीज़, फर्स्ट सर्विस अगेन आपको फ्री मिलने वाली है, फर्स्ट सर्विस सर फ्री मिलेगी। उसके अलावा एक्सीडेंटल अश्योरिटी आपको देंगे डेफिनेटली, कि आप ये जो गाड़ी आज तक ले रहे हैं वो मेजर एक्सीडेंटल नहीं है, छोटा मोटा कुछ चलता है डेफिनेटली, क्योंकि रोड रेंज पे मेजर नहीं होगा। हाँ, रोड पे चलती गाड़ी तो हल्का फुल्का ऐसे कोई बम्पर टच हो गया, कोई ऐसा कुछ हो गया, वो छोटी मोटी चीज़ चलती है, बट हमारी किसी गाड़ी में कोई मेजर इशू नहीं आएगा डेफिनेटली। ये हम आपको 100% अश्योरिटी देने वाले हैं, ये चीज़ है। और लोन की अगर अपन बात करें तो लोन में भी हम देखो, थोड़ा सा सिविल पे भी डिपेंड करता है कि आपका सिविल कैसा है। अगर सिविल ख़राब है तो लोन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं, बाकी नॉर्मली 85-90% के आसपास हम इजीली कर देते हैं, ये है। तो वो आपको डेफिनेटली पूरे फायदे मिलने वाले हैं डेफिनेटली। अभी हमारे पास 22 बैंक्स है, 22 बैंकों का हमारे पास लोन अप्रूवल्स पड़े हुए हैं, हम सारे मतलब 22 बैंक से हम डील करते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो आप प्लीज़ एंजॉय करो, आपको और गाड़ी दिखाते हैं। ये जो है शेवी की बीट है, बहुत ज़्यादा बिकती है अभी गाड़ी, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लोग बेसिकली क्या निर्मल जी प्रॉब्लम क्या आती है अभी राइट नाउ, कि सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है कि लोग लेना तो चाहते हैं। कोरोना टाइमिंग पे लोगों की इनकम से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, तो हम चाहते हैं डेफिनेटली उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें, बिकॉज ये एक कार ऐसी है जो कम प्राइस के अंदर, बहुत ही नॉमिनल प्राइस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फीचर मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। फीचर्स हैं, सारी चीज़ें हैं और लग्जरी भी है, क्योंकि अगर आपके रेट में आप ऐसे नॉर्मल ऑल्टो वगैरह आप लेते हैं तो उसमें आपको कुछ भी फीचर्स नहीं मिलते हैं, तो इसके अंदर आपको फीचर्स वगैरह बहुत अच्छे मिल जाएंगे। प्राइसिंग बिल्कुल नॉर्मल है, आज 1,61,000 में अपन ये गाड़ी दे रहे हैं, आपको बता ही दिया। तो 1,61,000 में फर्स्ट ओनरशिप है, पूरे साल का इंश्योरेंस मिलने वाला है आपको, चारों टायर आपको एकदम परफेक्ट मिलेंगे, और 1,60,000 में बाकी स्पेशल ऑफर है वो आपको बताएंगे डेफिनेटली, वो चीज़ रहेगी आपको। साफ सुथरा मिलने वाला है, गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही प्यारा है, फर्स्ट ओनरशिप है और हाईली मेंटेन्ड है, कुछ भी एक्सपेंसेस नहीं मिलने वाले। आप गाड़ी लेके जाओ, अगेन इसके अंदर भी आपको वारंटी, एक्सीडेंटल अश्योरिटी, सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो आप प्लीज़ गाड़ी लो, चलाओ, एंजॉय करो, फाइनेंस भी हो जाएगा डेफिनेटली, कोई दिक्कत नहीं है, सबका करवा देंगे। राजस्थान के बाहर डील करते हैं? राजस्थान के बाहर हम बिल्कुल भी अभी राइट नाउ डील नहीं करते हैं, बस ओनली राजस्थान के कस्टमर्स ही प्लीज़ कॉल कीजिए, क्योंकि हम आपको हाँ बाहर के आप कर सकते हैं, नॉलेज के लिए कुछ लेना है डेफिनेटली, बाकी हम गाड़ी आपको डिलीवर नहीं कर सकते, बिकॉज अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट लॉस बेसिकली वी कैन नॉट डिलीवर, हम आपको गाड़ी बाहर दे नहीं सकते, ये है। नेक्स्ट है प्लीज़। अब आप नेक्स्ट जो है ये है मारुति नेक्सा की बलिनो, बहुत ही प्यारी कार है ये। जो कार है बेसिकली ये जो है ऑनरशिप अगर अपन देखें तो ये फर्स्ट या सेकंड ऑनरशिप है, और बाकी हाईली मेंटेन्ड है, चली हुई मेरे ख्याल से 60-62,000 के आसपास चली हुई है, चारों टायर की कंडीशन बहुत अमेजिंग है, इंश्योरेंस आपको इसका कंप्लीट मिलने वाला है, प्लस ये अल्फा मॉडल है, अल्फा में भी ये डीजल मॉडल है बेसिकली। अच्छा।
तो डीजल है तो ये देखोगे तो लगभग 12.5 लाख के आसपास की ये गाड़ी आती थी। हाँ। और राइट नाउ हम जो गाड़ी जो अपन जो दे रहे हैं बहुत ही नॉर्मल प्राइस में 6,60,000 में आपको डिलीवर कर रहे हैं। बिल्कुल, बाकी स्पेशल ऑफर वो आपको बता देंगे डेफिनेटली। बाकी इसमें भी कोई भी एक्सेंटल वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला, गाड़ी बहुत प्यारी है, फुल्ली लोडेड है, सुपर लोडेड टॉप एंड मॉडल है। आप ये मत सोचना कि ये गाड़ी आपको सस्ती मिल जाएगी बाजार में, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज ये गाड़ी टॉप मॉडल है, सबसे बड़ी चीज़ है। मिल जाए तो वहाँ से ले लो ना, तो फिर तो ऑप्शन है ही अपने पास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आपको पुश बटन स्टार्ट, पावर स्टेयरिंग, पावर विंडो, लेदर सीट, उसके अलावा टच कमांड आ जाएगा, रियर व्यू कैमरा आ जाएगा, पूरे टच सेंसर्स आपको मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एसी मिल जाएगा, मिल जाएंगे। और सबसे खास बात यह है ये डीजल वेरिएंट है, डीजल है, आपको स्टेयरिंग कंट्रोल्स भी मिल जाएंगे, सारा सब कुछ मिलने वाला है। ये गाड़ी बहुत ही प्यारी है। इस गाड़ी का जो एवरेज आप देखोगे थोड़ा सा डिपेंड करता है ड्राइविंग के ऊपर, बाकी मेरे पास मेरी फैमिली में भी खुद कार है, बलिनो है, वो अभी 27-28 के आसपास एवरेज इजीली दे रही है। बिल्कुल आराम से दे देगी। हाँ 27-28 दे सकता है, पर डिपेंड करता है अगेन आप ड्राइविंग कैसे करते हो उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। मैं आप मेरे को दोगे तो मैं 30 का एवरेज भी निकाल सकता हूँ, वो चीज़ है, पर रेगुलरली आप 100 की स्पीड में 100 के एवरेज मतलब आसपास आप गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी मैक्सिमम माइलेज निकालती है। आपको अगर माइलेज थोड़ा सा ज़्यादा निकालना है तो मेरे को पर्सनली कॉल करना है, आपको मैं बता दूंगा तरीका क्या है। आपकी कोई सी भी गाड़ी नॉर्मली 5 से 6 किलोमीटर अपने आप ही बढ़ जाएगा उसका एवरेज। ये चीज़ डिमांड क्या थी इस गाड़ी का, डिमांड जो अपन रखा 6,60,000। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों ये है टाटा की सफारी गाड़ी, जो है 2007-08 मॉडल है, गाड़ी बहुत अच्छी है, अमेजिंग है, कंडीशन बहुत प्यारी है, इंश्योरेंस आपको फुल मिलेगा इस गाड़ी का भी, और हाईली मेंटेन्ड है, कोई लॉसेज वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, फर्स्ट ओनर है ये गाड़ी, फर्स्ट है या सेकंड ओनर है, एक बार चेक कर लूँगा मैं डेफिनेटली। बाकी ओवरऑल गाड़ी में कोई खर्चा नहीं मिलने वाला, ना इंजन साइड पे ना किसी भी चीज़ में। ये जो गाड़ी है बेसिकली इसके अंदर आपको फुली लोडेड मिलेगी, चारों पावर स्टेयरिंग, उसके अंदर पावर स्टेयरिंग आ जाएगा, चारों पावर विंडोज आ जाएगी, फुली लोडेड, कोई एक्सपेंसिव नहीं है, लेदर सीट कवर लगे हुए हैं, स्टेयरिंग कंट्रोल्स है, सब कुछ मिलेगा निर्मल जी इसके अंदर। बिल्कुल, और बहुत ही बजटेड कार है। बिल्कुल 14-15 का आराम से माइलेज भी देती है आपको, और क्या चाहिए। और ये जो गाड़ी है बेसिकली इसका जो अपन ने प्राइसिंग बहुत ही नॉर्मल सा रखा हुआ है, अभी रिसेंटली अगर आप लेके जाते हो मेरे से तो 2,30,000 में अपन ने गाड़ी देते हैं। 2,30,000 में आपको इतनी बिल्कुल इतनी बड़ी गाड़ी मिलने वाली है। बिल्कुल, उसमें भी जो मान सम्मान है वो बिल्कुल किया जाएगा, डेफिनेटली करेंगे। पर दोस्तों आप देखो ना इस प्राइस में आपको क्या मिलेगा, इतनी बड़ी आपके पूरी फैमिली के जो सारे मेंबर्स हैं 6-7 आदमी 8 आदमी आराम से जा सकते हैं इसके अंदर, और क्या चाहिए। और अगेन मैं आपको बताऊँ इसके भी आपको इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं मिलने वाली, अगर आप इसे लेके जाते हो तो आप आराम से लो, आराम से 5 साल 6 साल 7 साल जितना मर्जी आप चलाओ, जितना आपका मन करता है ये है, और फिर वापस हमें दे जाओ। बिल्कुल अपन ले सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली। ये भाइयों ये जो गाड़ी है ये है रेनो की क्विड, ये गाड़ी 2017 मॉडल है, RXL मॉडल है, फुली लोडेड है, पावर स्टेयरिंग, पावर विंडो वगैरह सब कुछ मिलने वाला है आपको इसके अंदर। बाकी फुल इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर इसके जो टायर्स हैं वो भी बहुत ही अमेजिंग कंडीशन में है, तो वो भी अपन वीडियो में आपको डेफिनेटली अपन कवर करके देंगे। बाकी चली हुई भी मेरे ख्याल से 52,000 या 53,000 के आसपास है, तो बहुत लिमिटेड चली हुई है, अच्छी गाड़ी है, फुली लोडेड है, फीचर्स आपको सारे मिल रहे हैं, लेदर सीट्स आपको इसके अंदर मिल ही जाएगा, तो मेरे ख्याल से अपन क्यों नहीं लें, सिंपल सी बात ही है। और गाड़ी की प्राइसिंग जो अपन ने बिल्कुल बहुत ही रीजनेबल सी रखी है, 2,75,000 ओनली। 2,75,000 बिल्कुल 2,75,000 में आपको ये गाड़ी डिलीवर कर देंगे, 2017 मॉडल, वो नेगोशिएबल है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं होगा डेफिनेटली, बट नेगोशिएबल रहेगा अगर आप चैनल के थ्रू आएंगे तो। बिल्कुल आप आओ तो भैया को बता देना कि आप चैनल देख के आए हो, तो बिल्कुल मान सम्मान आपका किया जाएगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। नेक्स्ट अपनी आ गई, ये है फोर्ड की फीगो, ये जो गाड़ी है 2011 मॉडल है, सेकंड ओनरशिप है, गाड़ी बहुत ही प्यारी है, गाड़ी में कोई एक्सपेंसिव वगैरह आपको नहीं मिलने वाले, और ये किलोमीटर है लगभग से 75,000 के आसपास चली हुई है। और गाड़ी अभी रिसेंटली इस गाड़ी को हम बहुत ही नॉर्मल प्राइस में अपन दे रहे हैं, मात्र 1,70,000 रुपये में। 1,70,000 बिल्कुल, आप बताओ इस प्राइस में और क्या मिलेगा। और फोर्ड की गाड़ी है, अमेजिंग है, डीजल है, अच्छा एवरेज भी देती है, 20-22 का एवरेज आराम से देंगी, तो अच्छा ऑप्शन है, आप ले सकते हो दोस्तों। बिल्कुल डेफिनेटली, इसमें भी नेगोशिएबल हो जाएगा, इसमें कुछ 5,000 के आसपास जो स्पेशल ऑफर था ना इस गाड़ी में हम आपको कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉमिनल प्राइस अपन ने इसका रखा है, ऑलरेडी प्राइस हमारी कम है, कम है बिल्कुल इस गाड़ी में। नेक्स्ट अपनी, ये जो है हुंडई की वरना है गाड़ी, ये भी बहुत अच्छी है, मेंटेन्ड है, कोई एक्सपेंसिव वगैरह आपको इसमें भी नहीं मिलने वाली, ये 1.5 SX टॉप एंड मॉडल है, आपको इसमें एक्सपेंसिव वगैरह तो कुछ मिलेंगे नहीं। दूसरी चीज़ के अंदर पावर स्टेयरिंग, पावर विंडो और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एसी, लेदर सीट्स आ गया, स्टेयरिंग कंट्रोल्स वगैरह सब कुछ आ जाएंगे दोस्तों, सब मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और इस गाड़ी की प्राइस भी अपन ने वो लगभग 230 के आसपास अपन ने गाड़ी अपन दे देंगे। बिल्कुल बहुत ही नॉर्मल प्राइस की अपन गाड़ियाँ अपन रख रहे हैं। बाकी कुछ SUVs भी हैं, थोड़ा सा दिखा दो दूर से जी। और बाकी SUVs जो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है जी। प्लीज़, ये गाड़ी अपनी लास्ट है आज की। हाँ ये गाड़ी अपन बिल्कुल, अभी छोटी गाड़ी की बात करें
तो अपना आज सेडान और हैचबैक पे है, तो मैं सारी गाड़ियाँ अपन दिखा लेते हैं आज ये है। हाँ तो दोस्तों अपन ने बेसिकली कमिटमेंट किया था शुरुआत में कि आपको कुछ स्पेशल कुछ बात बताएंगे गाड़ी के बारे में रिगार्डिंग सेफ्टी कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो हाईवे पे चला रहे हो मतलब आपने कुछ मतलब आपको बताना चाह रहा था मैं कि कुछ स्पेशल चीज़ आप गाड़ी चला रहे हो आपको लगता है कि गाड़ी आपके ब्रेक फेल हो चुके हैं या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उस टाइम पे आप क्या करो तो उस टाइमिंग के लिए मैं आपको बताता हूँ बहुत ही प्यारी चीज़ दोस्तों ये बड़ा बहुत ही प्यारा टिप है नॉर्मली लोगों को 90% लोगों को पता नहीं होता है। तो निर्मल जी अपने को कुछ नहीं करना सपोज आपकी गाड़ी सपोज 100 की स्पीड पे चल रही है 50 की स्पीड पे चल रही है 80 की स्पीड पे चल रही है आपको सपोज ब्रेक फेल हो जाते हैं हैंड ब्रेक काम नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में आपको क्या करें। तो सपोज आपकी गाड़ी 5वें गियर पे चल रही है तो आप नॉर्मल से आप कुछ मत करो गाड़ी को आप जैसे सपोज 5th गियर पे चल रही है ना गाड़ी तो आप इस 5th से लेके आप सीधे 3rd गियर को आप लगाओ 2 गियर पीछे लगा के आप और आप उसको हल्का हल्का क्लच छोड़ोगे ना तो आपकी गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी बिल्कुल। जैसे सपोज 100 की स्पीड चल रही है गाड़ी की तो अपने 70-60 तक पहुंच जाएगी जैसे आप क्लच लूज करोगे क्योंकि वो गाड़ी को रोकना चालू कर देता है। गियर्स के अंदर भी ब्रेक होते हैं एक्चुअली वो नॉर्मली किसी को पता नहीं होते हैं वो एमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम की तरह वो काम करता है बेसिकली। तो जितने भी स्पोर्ट्स राइडर होते हैं जैसे मैं खुद भी राइडर था पहले तो हम कभी हमारे पर ब्रेक फेल होते थे तो हम इसी तरीके से अपन गाड़ी अपन रोकते थे। तो सपोज आपकी गाड़ी 100 से करके 3rd गियर पे करके आपकी गाड़ी 60 पे आ गई फिर भी आपको बिल्कुल जीरो करनी है तो आप 3rd से फिर आप सीधे अपना 2nd गियर लगाओ 2nd पे हल्का सा क्लच आप लूज़ करोगे आप तो फिर आपकी गाड़ी और स्लो हो जाएगी 30 तक पहुँच जाएगी। फर्स्ट लोगे तो आपकी गाड़ी 10 के आसपास की स्पीड पे आ जाएगी। 5th से अगर आपने डायरेक्ट 1 लगा दिया आपने क्लच छोड़ दिया तो आपकी गाड़ी के जो गियर है वो भी टूट जाएंगे। अच्छा, प्लीज़ ये भी आपको ध्यान रखना है तो आपको थोड़े थोड़े करके गियर नीचे शिफ्ट करना है बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ऐसा करोगे तो आपकी गाड़ी अगर आपको एमरजेंसी कंडीशन आपको गाड़ी रोकनी है ना तो आप रोक सकते हो बिल्कुल। जैसे हमारी जो स्पोर्ट राइडिंग होती थी हम पहले करते थे उसके अंदर बेसिकली क्या होता है 5वां गियर है पर जैसे हम पहाड़ों पर चला रहे हैं तो हम नॉर्मली गियर से यूज़ करते थे बिल्कुल बिल्कुल वो चीज़ है। बट वो अपने को नहीं करना राजस्थान में अपने को ऐसी पहाड़ी वगैरह नहीं है तो वैसे अपने को पंगे नहीं लेने बिल्कुल भी पर एमरजेंसी में आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो आप बिल्कुल इसको ट्राई करके देखना पर भगवान ना करे कभी इस चीज़ की जरूरत कभी पड़ती है बिल्कुल। बट आपको पड़े तो आप बिल्कुल मेरे इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर आप याद करना तो आपको मज़ा आ जाएगा आपकी लाइफ जो है ना वो सेव हो जाएगी शायद कहीं ना कहीं हमारी तरफ से। दोस्तों आप कमेंट भी करना अगर आपको ये भैया की बात अच्छी लगी जो भी लगी एक बार कमेंट करके बताना इसमें आपको कुछ राय आपने देनी हो डेफिनेटली सही चीज़ है गलत चीज़ है जो भी आपको बताना हो बताना जरूर बिल्कुल। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं हूं निर्मल भैया के साथ जय हिंद जय हिंद।